ग्वादर का मसला। मुख्तसरन मैं बात करूंगा कि ग्वादर में अगर इस्लाम को स्टडी किया जाए, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना इससे वाकिफ है कि इस्लाम में भी ये है कि किसी जानवर को भी ताहयात आप पिंजरे में नहीं रख सकते। तो ये ग्वादर के लोग जानवर से भी बदतर हो गए जो इनको पहाड़ लगा के उनको बंद किया जा रहा है। ये हमारा मजहब भी नहीं कहता, ये इस्लाम नहीं कहता। ग्वादर के लोगों को जिस तरह बाड़ लगा के उनको बंद करके कल हमल कलबती अगर ग्वादर में घुसेगा तो मुझे यकीन है कि उसको रोक के उसको कहा जाएगा आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। अब भी उसको रोका जा रहा है और उसके बाद जो है ना उसको इस तजलील के साथ गाड़ी से उतार के स्कैनिंग मशीन से गुजार के उसको ग्वादर शहर में रवाना किया जाएगा। ये तो उसके MPA का ये हाल हो गया जो उसको लाखों हजारों लोगों ने उसको वोट दे के मुंतखब किया है। आप ये समझे कि बाकी लोगों का क्या होगा। सुबह से शाम तक 50,000 लोग तुर्बत शहर आते हैं कारोबार के लिए, सौदा सलफ के लिए, दूसरे अपनी जरूरियात के लिए, दफ्तरें यहीं पे है और वहां आते हैं और लोग जाते हैं। आप खुद बता दे मुझे कि एक सिंगल एक गेट से 50,000 लोगों को आप अगर एक मिनट में एक बंदा गुजारेंगे या एक मिनट में 10 बंदा गुजारेंगे, आप खुद कैलकुलेशन कर ले कि दिन में कितने बंदे ग्वादर में आ सकेंगे और कितने बंदे ग्वादर से वापस जा सकेंगे। खुदारा ये जुल्म न करे। आसकारी साहब आप भी बैठे हुए अभी कहते हैं कि जी 600 अरब रुपए ग्वादर के लिए जुनूबी बलूचिस्तान के लिए दिया गया है और 600 अरब का जो है ना पहला सिग्नल जो है ना वो आप लोग को मिल रहा है जो ग्वादर के बाढ़ की शक्ल में है। दूसरा जो इमरान खान के आने का बड़ा चर्चा कर रहे थे नियाजी खान के आने का कि जी नियाजी खान ने 600 अरब दे दिए, 600 अरब कुछ भी नहीं दिया है। दूसरा उन्होंने तोहफा आपको दे दिया बेरोजगारी का, जो लाखों लोग जो है ना डीजल और ये छोटे कारोबार से मुंसलिक थे, बॉर्डर को बंद करके और लोगों को बेरोजगार करके घरों पर बिठा दिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम जी 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 50,000 घर बनाएंगे। अभी तो बलूचिस्तान का माशी कत्ल कर रहे हैं जनाब स्पीकर, वैसे लोगों को आप मार रहे हो, कोई सर्दी से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई गैस नहीं है, सर्दी से टटर के मर रहे हैं। खुदारा रहम करे बलूचिस्तान पे और ग्वादर पे रहम कर दे और दूसरे बलूचिस्तान पे हमारे नुमाइंदे जो ग्वादर के बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कम से कम एहतजाज तो कर ले। ग्वादर के लोगों ने, तुर्बत के लोगों ने, पंजगूर के लोगों ने आपको वोट देके यहां पर लेके आए हैं और आप अगर उनका माशी कत्ल कर रहे हो और उनको जिस तरह बॉर्डर को सील करके, और आज हमने जब मालूमात की लाखों लोग बेरोजगार होके अपने घरों पर बैठे हुए, कल वो दूसरे चीजों में जाएंगे और पहाड़ों पे जाएंगे या किसी और उसमें जाएंगे। खुदारा ये जुल्म नहीं करे बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान में आग जल रहा है, आग पे आप पेट्रोल छिड़क रहे हो। किसी ने इसको शेख रशीद को क्या पता है कि जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अगर वो तेल को बंद कर रहा है, आप मुझे बता दे वाशक में कोई पेट्रोल पंप है? आप सूराब में देखे पेट्रोल पंप है? आप पंजगूर में देखो कोई पेट्रोल पंप है? आप बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में जाके देखे, ये कहां से अपने सोर्स को कर लेंगे? खुदारा इस तरह के जुल्म न करें। आसकारी साहब आप बैठे हो, जहूर साहब चले गए, खुदारा इस तरह की चीजों को देखा जाए और लोगों को बेरोजगार ना करे, क्योंकि यही लाखों लोग जो है ना मुश्किल से आप भी रोजगार नहीं दे रहे हो। 10 मरतबा आप पोस्ट अनाउंस कर रहे हो, उसके बाद उनको हजम कर रहे हो, पता नहीं किधर जाते हैं। फिर अगर चंद पोस्ट निकलते हैं उन पे भी सिलेक्टेड लोग आप अपने रख के दूसरों को बेरोजगार कर रहे हो। तो ये बलूचिस्तान के साथ ये जुल्म न किया जाए। दूसरी बात ये कि कबाइलों की जमीनें हैं जो क्वेटा के साथ साथ, मैं खुजदार पर अगर जाऊं तो खुजदार में भी यही हाल है। जब भी कोई डिप्टी कमिश्नर आ जाता है वो उठ के कबाइल की जमीन को अपने दूसरे इस्तेमाल में लेके ले लेते हैं और कबाइल को इस तरह उनको बेदखल किया जाता है जैसे दूध से मक्खी को निकाल के उनको फेंक देते हैं। अगर कोई बंदा अपने जमीन पे खड़ा हो जाए, अपने कबाइल अपने जमीन पे खड़े हो जाए, उनके खिलाफ FIR करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। खुदारा आप देख रहे, आप 1900
81 का मर्दम शुमारी देख ले, 1986 का देख ले, उसके बाद का, उससे पहले का आप देख ले कि जी ये जमीनें किसके नाम पे थे। लोगों की जमीनें हड़प करके गवर्नमेंट अपने लिए, गवर्नमेंट की जमीनें कहां से आ गई? ये मेरा घर है, मेरे साथ के, मेरे घर के साथ जो है ना गवर्नमेंट लाके अपना बुर्ज लगा लेता है कि जी ये तो गवर्नमेंट की जमीन है। खुदा से खौफ कर ले कि एक जमीन कबाइल का है, दूसरा जमीन जो है ना वो आके गवर्नमेंट का कहां से आ गया वहां पे। मेहरबानी करे ये चीजों को देख ले, कोई सीरियस लेने वाला नहीं है बलूचिस्तान को, कोई सीरियस लेने वाला नहीं है बलूचिस्तान को, बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। खुदारा ऐसी चीजों पे जनाब स्पीकर आप रूलिंग दे दे, आप इन पे कहे ग्वादर का हाल ये है, तुर्बत का हाल ये, तुर्बत में उसने कदम रखा अपना मुबारक कदम, जो ये लोग कहते हैं कि जी हमारा मुबारक कदम नियाजी साहब ने रख लिया, और तुर्बत जो है ना बाहर हो जाएगा, और तुर्बत को जो है ना लाखों बंदों का जो है ना बेरोजगारी का तोहफा दे के वो चला गया। वो तुर्बत आया भी इसीलिए था, और तुर्बत उसके आने का मकसद भी ये था कि वो आके ग्वादर के लिए भाड़ का पैसे दे दे, ग्वादर को बंद कर दे, ग्वादर के लोगों को वहां नेस्त नाबूद कर दे, और ग्वादर के लोगों को पिंजरे में बंद करके उनके मैशियत को, उनके सब चीजों को वो कर दे। और वजीर फिशरीज हमारा बैठा हुआ है, आप खुद बता दे कि जब बॉर्डर बंद होगा, जब ग्वादर बंद होगा, वो मछली वाले कहां जाएंगे, फिशरमैन कहां जाएंगे। खुदारा ऐसी चीजों पे देखा जाए इनको, ये नहीं कि एक वजारत के लिए या एक उसके लिए हम लोग बैठे हुए और अपनी जमीन को भी बेच रहे हैं, अपने इलाके को भी बेच रहे हैं, अपने लोगों को भी बेच रहे हैं, अपने सरजमीन पे जो है हम सौदा कर रहे हैं। कल हम किस किस को जवाब देंगे जनाब स्पीकर? हमने तो जवाब देना है, इस कौम को जवाब देना है, हमने बलूचिस्तान को जवाब देना है, हमने बलूचिस्तान के बेरोजगारों को जवाब देना है, हमने बलूचिस्तान के मजलूम अवाम को भी जवाब देना है कि हमने क्या किया आपके लिए बलूचिस्तान असेंबली में बैठ के। ये लोग खुदारा अपने आप में कुवत पैदा कर दे ऐसी चीजों पे। 600 अरब में से अगर 6 अरब रुपए अगर दुर्बत को मिल गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये सारा झूठ है, ये 2.5 साल से हम ये झूठ सुन के आ रहे हैं। आप अभी अभी जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जी योब और योब टू क्वेटा का यहां पे इफ्तिताह हो गया है, कहां है? 1.5 साल हो गया जनाब स्पीकर इफ्तिताह को, 1.5 साल हो गया है, जिसमें आप भी गए थे, आपका भी तस्वीर उधर नजर आ रहा था जनाब स्पीकर, आप उस प्रोग्राम में आप और आपके दोस्त सारे गए थे, सारे हमारे वुजरा गए थे, वहां बैठे हुए थे कि जी जब इसका इफ्तिताह हो गया योब टू क्वेटा रोड का कि जी इसको डबल कर रहे हैं, हम खुश हो गए, यहां आके मिठाइयां तकसीम की गई, यहां आके लोगों को कहा गया, कहां है योब क्वेटा रोड बन गए? कोई बता सकता है, कोई वुजरा बता सकता है क्वेटा योब रोड शुरू है? आप मेहरबानी करके आप नहीं बोले, जब आपकी बारी आ जाएगी तो आप बोल दे, बैठ जाए मुबीन साहब, आप स्पीकर समझा दे इनको, इन आप बैठे, आप मुराद सही बन नहीं बने, आप बैठ जाए, जब आपकी बारी आ जाएगी आपने जवाब दे दे, फिर मुबीन बैठ के बात दे दे, जब आपकी बारी आ जाएगी। जी जहरी साहब, आप सिलेक्टेड नहीं बने जनाब। जी जहरी साहब, आपका तनख्वाह पक्का है, आपका तनख्वाह पक्का है, बैठ जाए, आपसे जब पूछा जाएगा आप बता दे। मोबिन साहब आप बैठ जाइए, स्पीकर से बात कर रहा हूं, आपसे तो नहीं कर रहे, इसको जनाब स्पीकर बैठ जाए मोबिन साहब, क्या मजाक बनाया है? जी जहरी साहब इसको चाबी देके रवाना किया गया है और लोगों को यहाँ आके बात करने नहीं देते, इसकी हैसियत क्या है? कुछ ज्यादा चार्ज कर दिया है इसको, जितना मिला है वो इसकी हैसियत से भी ज्यादा है। जी जहरी साहब बैठ जाए, आप अपने बारी में बात करें, आपको शहरानी साहब ने आपकी हैसियत बता दी है, आप इधर मोबिन साहब बैठ जाए, बैठे आप लोगों को अपनी हैसियतें ना मोबिन साहब बैठ जाए, अपनी हैसियतें ना बताएं, अदालत में केस है, सिर्फ मैंने ये बताया है आपकी हाउस है, आप बात कर रहे हैं, आप लोगों की हैसियतें ना बताएं, मोबिन साहब आराम से बैठे, मोबिन साहब बैठ जाए, मोबिन बैठे, आप कौन होते हैं मुझे ऐसे बात करने वाले, आपकी क्या हैसियत है? मोबिन बैठ जाए, हैसियत क्या है यार, हैसियत की बात करते हैं, मोबिन बैठ जाए, आप हैसियत की बात करते हैं, हैसियत की बात बैठ जाए, प्लीज बैठ, चाबी देने के लिए बैठ जाए, आप प्लीज बैठ जाए, ड्रामा बाजियां करते हो, इधर आके बात करते हो, मोबिन साहब बैठ जाए, आप इस्तीफे देते हो, बात करते हो, आर्डर इन द हाउस यार, आर्डर इन द हाउस बनाया हुआ है पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में लोगों के ड्रामाबाजी बनाए हैं, मोबिन साहब बैठ जाए, मोबिन साहब बैठ जाए, बात करो, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है, मोबिन साहब करोगे, बैठ जाए, आप बैठ जाए।
आपका मौकिफ आगे, आप बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। जहरी साहब आप भी पर्सनल ना जाए, मुझे मुझे मुखातिब कर ले, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। जहरी साहब ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जहरी साहब आप मुख्तसर कर ले और मुझे मुखातिब करे, पर्सनल ना जाए, पर्सनल पर्सनल ना जाए, पर्सनल ना जाए, मुझे मुखातिब करे। जी जी वो मेरे भाई जितना बात कर सकता है कर ले जी, पर्सनल ना जाए आप, पर्सनल मैं नहीं लेता, मैं बात कर रहा हूँ आप वो खड़े हो जी, जारी रखिए जारी रखिए, वो बात कर लेता है, सना उठता है वो बात कर लेता है जी, जारी रखिए आप, आप जिसकी बारी उसकी बारी आ जाए, वो जितना बात करे अगर हम उसको रोके या बिठा दिया, मैंने बिठा दिया, बाकी रही कंक्लूड कर ले। अमन ओमान की, अमन ओमान आपके सामने है, खुजदार में एक बंदा अगवा हो जाता है, एक बंदा अगवा हो जाता है, अगवा कार की गाड़ी बरामद हो जाती है, लोग सामने आ जाते हैं, उसको रोकते हैं, बंदों को पहचानते हैं कि जी बंदे कौन है, गाड़ी किसकी है, गाड़ी का नंबर ट्रेस होता है, टेलीफोन नंबर ट्रेस होता है, और बंदे को उठा के एक हफ्ते तक जो है ना वो अपने जिंदान में रख के उस पर टॉर्चर करके, एक हफ्ते के बाद लोगों का जितना लोग अपना कोशिश करते एक हफ्ते तक वो इसको रख के आ जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है, कहां का गवर्नमेंट है? फिर डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि जनाब कोई सबूत तो मिले, क्यों ले गया है? अरे बाबा खुदा को मानो, आपको भी कब्र में जाना है, आपको भी यहां पे रहना है, एक हफ्ते तक एक बंदे को ले जाके जिंदान में रखते हैं और उस पर टॉर्चर करके उसके बाद उसको छोड़ देते, फिर भी आप कहते हो जी अभी सबूत दे दो, सबूत आपके पास, तस्वीरें आपके पास आ गए, गाड़ी का इंजन नंबर चेसिस नंबर भी आपके पास आ गया, बंदों की तस्वीर आपके पास आ गए, और गाड़ी भी जो है ना वो एक्सीडेंट करके बरामद हो गया और सब कुछ पता चला, फिर भी आप कह रहे हो कि जी मुझे सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए। खुदारा बलूचिस्तान को बचाए और बलूचिस्तान के लिए कुछ कर ले। थैंक यू सर, शुक्रिया जेरी साहब।